Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. So, दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू फ्रेश वीडियो जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बहुत टाइम हो गया है, हमने चैप्टर चालू कर चुके हैं और हमारी गाड़ी बहुत आगे तक पहुंच गई है। बस हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं क्योंकि कुछ 3 से 4 ही सेक्शंस बचे हैं जिन्हें हम रेसिडुअल सेक्शंस कहते हैं और एक ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। बच्चों अभी तक इससे पहले हमने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन नंबर 4 के साथ में जिसमें हमने मेमोरेंडम समझा था उसके बाद में हमने देखा है कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कैसे होता है, क्या क्या क्लॉज है, उनके लिए क्या प्रोविजन चाहिए रहते हैं। हर क्लॉज के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल नेम क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए, सिचुएशन क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। प्लस उसके साथ में सीजी का अप्रूवल किन्हीं किन्हीं केसेस में लगता है वो लीजिए, आरओसी को इन्फॉर्म करिए, ठीक है, एंड अदर सेपरेट इंडिविजुअल कंडीशंस आर प्रेजेंट फॉर एवरी केस। जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम उसमें हम देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों सेक्शंस के साथ में जो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स है, उन दोनों के साथ में एक सेक्शन साथ में चल रहा है एकदम चिपक के, जिसे हम कहते हैं सेक्शन नंबर 15। बराबर है, सेक्शन नंबर 15 अभी वापस हम आर्टिकल्स के साथ में समझने वाले हैं, पर वो सेक्शन नंबर 15 क्या है मैं पूरा ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल आपको समझा दूं, उसके बाद 15 आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। कुछ नहीं है, 2 लाइन का सेक्शन है पर याद रखना जरूरी है। सो बच्चों ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, देखिए हम आगे जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन पढ़ने वाले हैं, उस डॉक्ट्राइन का नाम रहेगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। उसमें एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले बोलिए आप मेरे साथ में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी जितने भी होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन घर का कौन है, मम्मी है, और मेमोरेंडम घर का कौन है, पापा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो घर का सीनियर पर्सन है, पापा ने एक बार बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको 11 बजे घर पे आना है, मतलब आना है। अब आप 11 बजे के बाद में अंदर नहीं आ सकते, पर जो आर्टिकल्स है यानी कि जो मम्मी है वो घर के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है कि खाना कैसे खाना है, थाली कहां पर रखना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कंपनी का जो आर्टिकल्स है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है, ठीक है। और मेमोरेंडम एक सीलिंग है, उस मेमोरेंडम में जो चीज नहीं लिखी है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो सर इस सेक्शन में ये चीज रिलेट कैसे हो रही है? देखिए सेक्शन का नाम क्या है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, बराबर है, यानी कि हम आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब कि हम कुछ चेंज ला रहे हैं। सर ऑल्टर मतलब क्या क्या हो सकता है, हमने मेमोरेंडम के वहां भी पढ़ा था, एक बार बता दीजिए। ऑल्टर में या तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ चीज, या तो पूरी तरीके से ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि वह उसको हटा सकते हैं, या आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, बराबर ना, ये सभी ऑल्टरेशन की डेफिनेशन में आएगा। तो हम वो चेंज कितनी डिग्री का हो सकता है, वो चेंज किसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा चेंज तो नहीं है वो कि वो मेमोरेंडम के खिलाफ जा रहा है। देखिए मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, मतलब कि आपको आर्टिकल में जब भी चेंज करना है यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज अकॉर्डिंग टू योर मेमोरेंडम, और एक स्टेप और आगे जाए, इट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। मतलब कि कंपनीज एक्ट हमारा भगवान है, एक्ट जो बोल रहा है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते, पक्की बात है। एक्ट से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आएगा, उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते, और उसके नीचे अगर हम आएंगे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। तो अभी हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम अल्टर कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, तो वो हम चेंज करेंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज एक्ट। यानी कि अगर आपका आर्टिकल कुछ गलत बात बोलता है
एंड इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ योर मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट, देन कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम विल ओवर रूल द आर्टिकल्स एंड दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजन विल बी इनवैलिड. ठीक है, ये मैंने आपको दिया है पूरा बैकग्राउंड कि हम आर्टिकल्स की डिग्री, इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री कितनी है. ठीक है, और उसके बाद में एमओए से उसका कनेक्शन क्या है और उसी के साथ में कंपनीज एक्ट के साथ में उसका कनेक्शन क्या है. तो ये हमने जब तीनों लेवल समझ लिए हैं, हायरार्की हमने समझ ली है, अब हम आर्टिकल्स में कुछ भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब आप मेरी शीट में देख सकते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे एक एक बुलेट पॉइंट को कवर करते हुए कि आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और मेथड क्या है, यानी कि आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा. क्या स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, क्या कोर्ट की परमिशन लगेगी, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, आपको मेंबर्स से पूछना पड़ेगा कि नहीं, मेंबर्स कब बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये चीजें हम ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 14 है, बहुत ही सिंपल है बट एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेक्शन नंबर ये तिगड़ी याद रखिएगा आप, 13, 14, 15 में ऑल्टर, ये पूरा ऑल्टरेशन का ग्रुप चल रहा है. हमने ऑल्टरेशन देखा था 161 में जिसमें था कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन, फिर हमने ऑल्टरेशन देखा मेमोरेंडम का 13 में, अभी हम देख रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स 14 में और इन दोनों के साथ में चल रहा है सेक्शन नंबर 15. इसके बाद में 16 to 22 ये हमारे सभी रेसिडुअल सेक्शंस हैं जो हम कवर कर लेंगे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी शीट के हिसाब से. पहला पॉइंट देखिए. सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा शीट में वो ये है कि कंपनी कैन नॉट डिवेस्ट इटसेल्फ, यानी कि डिस्पोजेस. इसका मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने कुछ पावर्स अपनी लिख रखी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, तो कंपनी फ्यूचर में ये नहीं बोल सकती कि हम इन रूल्स को नहीं मानते, हम इनको डिस्पोजेस करते हैं, हम इनको पजेस नहीं करते हैं. ये तो ठीक है, लिखा होगा, लिखने के लिए हमने लिख दिया, बट वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, ऐसा कंपनी बोल सकती है नहीं. क्यों सर? भैया मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहलाते हैं, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर कंपनी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो कोई हंसी मजाक नहीं है. अगर एओए में, मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ आपकी पावर्स है, रूल्स है, तो कंपनी उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकती है, डिवेस्ट नहीं कर सकती है. ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एमओए में, अगर कुछ चीजें हैं जो साइलेंट है, यानी कि देयर इज सम इशू, देयर इज सम पावर, देयर इज सम रूल्स टू बी डिसाइडेड एंड एमओए इज साइलेंट रिगार्डिंग दैट इशू, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आप आर्टिकल्स को एमओए के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं एंड यू कैन हैंडल दैट इशू बाय ऑल्टरिंग आर्टिकल्स. सर इसका मतलब क्या है? क्या हम एमओ के, मतलब कि हम मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके कुछ आर्टिकल में कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बट उस इशू का मेमोरेंडम में ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी तो हमने उसको प्रॉपर एक रूल बना के आर्टिकल में ऑल्टर कर दिया है. ये दूसरा पॉइंट हुआ. सर ये पूरा बार बार आप जो कह रहे हैं एमओए बड़ा है, एओए बड़ा है, तो इसको एक स्टेटमेंट में बोल दीजिए. बच्चों को एक स्टेटमेंट ये है कि एओए इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ एमओए, मतलब कि एमओए बाप है और एओए बच्चा है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अब इसके बाद में जो हमने डिसाइड किया था कि आर्टिकल्स को ऑल्टर हमेशा किया जाएगा एज पर मेमोरेंडम एंड एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब कि उनको ध्यान में रखते हुए आप ऑल्टर कीजिए, उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन नहीं जाना चाहिए. ठीक है, ये तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. पहला हमने बोला डिस्पोजेस नहीं कर सकते पावर को, दूसरा हमने बोला कि आर्टिकल अगर मेमोरेंडम साइलेंट है तो आप आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर दीजिए, बट वो सबऑर्डिनेट है तो उसके हिसाब से ही करिए, और एमओए जो है और एओए दोनों ही एक साथ चलेंगे विथ कंपनीज एक्ट, AOA, MOA and then Companies Act. ठीक है, आप सर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको बता दीजिए कि ये काम करना कैसे है, यानी कि कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा. बच्चों रिजोल्यूशन जब हम मेमोरेंडम में जब हम ऑल्टरेशन कर रहे थे वहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन लगा था, तो यहां भी लगेगा.
यहां भी स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, सभी मेंबर्स बैठकर एक साथ वार्तालाप करके सोच विचार करके आपस में बात करके डिसाइड करेंगे कि हमको आर्टिकल्स में ये ऑल्ट्रेशन करना है, और वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी नहीं, मेजोरिटी हाँ बोलेगी उससे काम नहीं चलेगा, हमें 75% से ज्यादा हमको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए रहेगा अगर आर्टिकल्स में आपको इतना सा भी चेंज करना है तो। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पॉइंट के नीचे आपको एक और बुलेट पॉइंट दिख रहा होगा, उसमें लिख रखा है चेंज ऑफ फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक एंड वाइस वर्सा। सर इसका मतलब क्या है, ये आपने यहां पर क्यों रिलेट किया है? ये हमने यहां पर इसलिए रिलेट किया है बच्चों कि जब हमने पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है एक सेक्शन जो नेम ऑफ द कंपनी के बारे में बात कर रहा था, नेम क्लॉज के बारे में बात कर रहा था, सेक्शन जो बात कर रहा था मेमोरेंडम के बारे में, सेक्शन नंबर 4 वहां पर हम बात करके आए हैं कि अगर कंपनी कन्वर्ट होती है प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट तो उसका नाम चेंज होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड से हट के लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड से हट के प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। ये तो ही नाम की बातें, बच्चों जैसी बातें नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक में तो वो अपने रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हटा देती है। सर कौन से रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होते हैं? बच्चों हमने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, प्राइवेट मतलब कि PRRL से हमने पढ़ा था प्रोहिबिट करता है किस चीज को, पब्लिक इश्यू को। RR से हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्ट करता है राइट्स को ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और तीसरा हमने L से पढ़ा था कि लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो जब प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक में तो ये सब चीजें उसको लिमिटेशंस और ऑब्लिगेशंस अपने आर्टिकल से भी हटाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो जब आर्टिकल से उसको ये चेंजेस करने पड़ेंगे तो यानी कि हम सेक्शन नंबर 14 के अंदर आ गए ना, क्योंकि हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं आर्टिकल्स का। सो व्हेन अ कंपनी इज चेंज्ड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट देयर इज एन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हिच टेक्स प्लेस, एंड उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन आपको चाहिए रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने पहला ब्लॉक खत्म कर दिया है। अभी मैंने आपको जो प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट का पॉइंट बोला है वो नीचे कवर हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं वर्ड टू वर्ड। उसके बाद में दो पॉइंट्स और है जिसमें एक है सेक्शन नंबर 15 का और एक और पॉइंट, वो आगे हम डिस्कस करके ये टॉपिक हमारा खत्म हो सकता है। So, दोस्तों अब देखिए पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक हम चेंज कर रहे हैं, लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस जब भी चेंज होंगे ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स आएगा। वही दो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, व्हेन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल्टर्स इट्स आर्टिकल्स इन अ वे कि उसके लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कम्स टू एन एंड एंड इट इज कन्वर्टेड टू अ पब्लिक कंपनी, तब हम समझेंगे कि पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे ही वाइस वर्सा उल्टा लगा लीजिए, जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में चेंज होना है तो वो अपने लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस को अपनाएगी और अपने आर्टिकल्स को वैसे ऑल्टर करेगी। सर सब सेक्शन 2 हमको जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो क्या बोल रहा है? बच्चों जब आप पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी बात है, मतलब आप पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको एक एडिशनल परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं परमिशन ऑफ ए ट्रिब्यूनल, हमें ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट टू पब्लिक के केस में नहीं, पब्लिक टू प्राइवेट के केस में बोल रहा हूं कि वहां पर आपको ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के साथ में सबसे नीचे देख सकते हैं कि वो जो आपकी ऑल्टरेशन की कॉपी है, ऑल्टरेशन का नोटिस है वो, प्लस आपका ट्रिब्यूनल का जो नोटिस है वो, ये दोनों आपको आरओसी को भेजने पड़ेंगे विद इन 15 डेज ऑफ योर रिजोल्यूशन जो आपने एसआर पास किया है वो, और उसके साथ में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वो, आप दोनों भेजिए आरओसी को विद इन 15 डेज। ठीक है, तो ये बात हुई, सारे पॉइंट्स हमने कवर करे आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन के लिए। तो एक बार मैं आपको हाईलाइट दे देता हूं और लास्ट में सेक्शन 15 बोल देता हूं। सो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि आर्टिकल्स जो है वो बच्चा है और उसका जो बाप है वो मेमोरेंडम है, और मेमोरेंडम का भी जो बाप है वो है कंपनीज एक्ट। जो भी ऑल्टरेशन होगा आर्टिकल्स के अंदर वो होना चाहिए मेमोरेंडम के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसके विरुद्ध उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, अगर आप गए हैं तो वो इनवैलिड रहेगा। ये बात क्लियर है, बराबर है। उसके बाद में अगर हमको ये ऑल्टरेशन करना है आर्टिकल्स में तो हमको स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एंड देयर आर स्पेशल केसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक एंड वाइस वर्सा, इन दोस केस is also will require special resolution, but specifically in the case of conversion of public to private will require tribunals confirmation permission as well. These special resolution plus
दिस स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस जो आपने ट्रिब्यूनल की परमिशन ली है वो आपको आरओसी को 15 डेज के अंदर भेजना रहेंगे। एमओए कुछ बातों के लिए साइलेंट है तो आप एओए को आर्टिकल को आप ऑल्टर कर सकते हैं एमओए के हिसाब से। आप डिसपोजेस नहीं कर सकते हैं, आप डिवेस्ट नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि हम उन पावर्स को नहीं मानते, आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हमने कवर करी है आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन के लिए। अब सेक्शन 15 जो ये बोल रहा था कि आपने ऑल्टरेशन जो किया है वो हर एक कॉपी में ऑल्टरेशन होना चाहिए, मतलब कि एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम फॉर सेक्शन नंबर 13 एंड आर्टिकल्स फॉर दिस सेक्शन शुड बी ऑल्टर्ड। सभी कॉपीज ऑल्टर होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक भी कॉपी ऐसी रही जो ऑल्टर नहीं हुई है तो हर बंदे को हर कॉपी के लिए 1000 रुपए का फाइन लगेगा, 1000 रुपीज का फाइन लगेगा, और ये बात पक्की है। यही सेम सेक्शन नंबर 15 एज इट इज एप्लीकेबल होगा किसको, ये एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारा था सेक्शन ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन नंबर 14 जो हमने कवर कर लिया है। स्पेशल रिजोल्यूशन ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, कुछ रेसिडुअल सेक्शंस खत्म करेंगे, डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे अच्छी अच्छी, और फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आ रहा है, एंड आई एम श्योर आप जो कॉमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। और शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोज को समझिए, पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, मेरे नोट्स को बेस लेके पढ़िए, और ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।